ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 28वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सूत जी बोले, इस कथा को श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से यह कह संध्या कंडी राजभवन चले गए। इस प्रकार मैंने कार्तिक महात्म का प्रभाव आपसे कहा, ये विष्णु को प्रसन्न करता है और भक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन, दीपदान, यही कार्तिक के व्रत हैं। इस पांचों प्रकार का व्रत आपसे कहा, इनको कार्तिक में करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला विस्मयकारी कार्तिक व्रत पाप और दुख को दूर करने के लिए मोक्ष की और काम भोग की इच्छा करने वालों को अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहन वन में फंस जाए या रोगी हो जाए तो कार्तिक व्रत कैसे किया जाए, क्योंकि यह व्रत महाफल देने वाला है। सूत जी बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाला पुरुष आपत्ति में विष्णु अथवा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करें। यदि तुलसी पूजा ना हो तो वैष्णवों का पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबके ना मिलने पर व्रती पुरुष गौ और ब्राह्मण को और व्रत के पूरा करने के लिए पीपल और बड़ का पूजन करें। ऋषि बोले, आपने बड़ और पीपल वृक्ष गौ ब्राह्मण के समान श्रेष्ठ कहे, ये दोनों वृक्ष ही क्यों अधिक पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप है, बड़ शिवजी का और ढाक ब्रह्मा का रूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये वृक्ष रूप में कैसे हो गए, सो ही धर्मज्ञ यह हमें समझाइए। सूत जी बोले, एक बार शिव पार्वती भोग विलास कर रहे थे, उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता गए और वहां विघ्न करने लगे। इसी विघ्न से दुखी पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, कृमि और कीड़े आदि भी विषय भोग के आनंद को जानते हैं, तुमने विघ्न डाला है देवताओं, तुम वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के इस श्राप से सब देवता वृक्ष के रूप में हो गए। हे मुनीश्वर, तभी से विष्णु और महादेव पीपल और बड़ हो गए और पीपल का शनि के दिन ही पूजन करें और दिन पूजन नहीं करना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म 28वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।